भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल के आह्वान पर बागेश्वर में भी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने संकट को अवसर में बदले कार्यक्रम के तहत रक्तदान किया। इस मौके पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष मनोज ओली व प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश परिहार सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में सभी को आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद करनी होगी। भाजपा के जिला महामंत्री डॉक्टर राजेंद्र परिहार, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दीपक गस्याल सहित विभिन्न मंडलों से आए कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया तथा रक्तदाताओं की सूची ब्लड बैंक संचालकों को सौंपी। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के द्वारा संकट को अवसर में बदले इस स्लोगन के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा रक्तदान कर रही है। जिस तरीके से आज COVID-19 से पूरा विश्व पीड़ित है, अगर कहीं ना कहीं हमें लगा कि इस काल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता किस तरीके से आज इस समाज के लिए आगे आए। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जब से अपना लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर, चाहे भोजन पैकेटों के माध्यम से हो, चाहे फिर दीवार लेखन के माध्यम से हो, चाहे फिर जिस तरीके से भी लगा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, पूरे प्रदेश भर के अंदर कार्यकर्ताओं ने जनता को संदेश पहुँचाने, चाहे मास्क वितरण कहें, चाहे फिर हम सैनिटाइजर वितरण करें, चाहे ग्लव्स वितरण करें। इसके अलावा आज भारतीय जनता युवा मोर्चा को लगा कि हम लोगों ने अपने जनपद के अंदर ब्लड डोनेशन करना है, तो उसको लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सभी मंडलों से यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं। जितने भी यहाँ ब्लड बैंक के अंदर जितनी भी आवश्यकता थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ब्लड बैंक में अभी ब्लड यहाँ पर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने 100 कार्यकर्ताओं की यहाँ पर ऐसी लिस्ट तैयार कर दी है, जब भी जिस व्यक्ति को भी यहाँ पर ब्लड की जब भी आवश्यकता पड़े तो हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक मंडल से जहाँ से भी अगर लगे और जो भी ब्लड की आवश्यकता जिस ग्रुप की भी यहाँ पर पड़ेगी तो हमारा कार्यकर्ता तुरंत यहाँ पर ब्लड देने के लिए आएगा। और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में यह रक्तदान महाअभियान का कार्यक्रम चल रहा है, उसी को लेकर हम लोगों ने बागेश्वर जनपद में भी आज यह कार्यक्रम चलाया है। इसमें सभी मंडलों से दो दो दिन के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और 100 कार्यकर्ताओं की हमने लिस्ट बनाकर यहाँ पर तैयार रखी है। इसके बाद भी 29 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर जैसे आत्मनिर्भर बनने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को आह्वान किया, तो उसी को लेकर हम अपने जनपद के कार्यकर्ताओं से भी मैं आह्वान करता हूँ, क्योंकि हमने अपने जनपद के अंदर जो भी हमारे स्वदेशी आत्मनिर्भर जिससे हमारे यहाँ के जनता लोग बनते हैं, हमने उन चीज़ों को खरीद कर आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश करनी है और यहाँ के बने हुए चीज़ों को हमने 29 तारीख को यहाँ पर लेने हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल जी और युवा मोर्चा उत्तराखंड की ओर से पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर का आज आयोजन किया जा रहा है। सारे हमारे मंडलों के पदाधिकारी नगर के सारे हर जगह रक्तदान कर रहे हैं। इससे पहले वॉल पेंटिंग के माध्यम से, मोदी किचन के माध्यम से राशन वितरण, मास्क वितरण, सैनिटाइजर सभी रूप से जिस रूप से हम कर सकते हैं, तो नागरिकों की सेवा के लिए युवा मोर्चा हमेशा तत्पर है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो प्रवासी भारतीय अपने भाई लोग, भाई बहन बाहर से आ रहे हैं, तो उनकी देखभाल की भी योजना युवा मोर्चा बना रहा है। कुछ समय में हम गांव-गांव जाके और क्वारंटीन सेंटर में उनकी जो भी परेशानी है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और जो भी प्रशासन स्तर पर भी अगर कहीं पर सुस्ती है तो उस पर भी युवा मोर्चा उस मुद्दे को उठाएगा और उनको जागरूक करेगा। मेरा सभी बाहर के जो प्रवासी भाई बहन हैं, आपके माध्यम से एक संदेश देना ये उनको चाहता हूँ, थोड़ा संयम से काम लें, हम संकट काल में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्तदान से बड़ा कोई महादान नहीं है, तो इसी बात को चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा की हमारी जिला इकाई प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज जिला रक्तदान केंद्र पे इकट्ठा हुई है और ऐसे लोगों को रक्तदान करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जिनको आवश्यकता है इस कोविड-19 के जो काल चल रहा है।
और चूंकि पूर्व में भी युवा मोर्चा से हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर तत्काल ब्लड डोनेट करने आते रहे हैं और हम सबको विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं तत्पर हैं, आपातकाल में किसी भी समय रक्तदान यहाँ पर करने के लिए हम लोग उपलब्ध हैं और उसी के सिलसिले में हमारा पूरा जो नेतृत्व है यहाँ पर आज उपस्थित है। मैं News 31 और CCN के माध्यम से आप सभी से अपील करूँगा कि ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको आवश्यकता है उनको रक्तदान करें, उनका जीवन बचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश में राहत के कार्य यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाए जा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड प्रदेश में आज युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल जी के आह्वान पर और हमारे जनपद में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष गिरीश परिहार जी के निर्देशन में और हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोज ओली जी के नेतृत्व में यहाँ पर यह रक्तदान का यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं समस्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह संकट काल चल रहा है, ऐसे समय में किसी भी समय किसी को भी रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। कई बार हम देखते हैं कि ब्लड बैंक बागेश्वर में अनेक जो मरीज आते हैं, कई आपके माध्यम से भी पूरी जनता को सूचना मिलती है कि यहाँ पर रक्त की आवश्यकता है और तुरंत यहाँ पर बागेश्वर के जागरूक लोग, हमारे युवा मोर्चा के लोग और विद्यार्थी परिषद के लोग अपना यहाँ पर रक्तदान करने पहुँचते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए युवा मोर्चा ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है, पहल की है कि यहाँ पर आकर खुद रक्तदान इनके हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और यहाँ पर उन्हें एक सूची भी सौंपी है, लगभग 100 लोगों की सूची यहाँ पर सौंपी है, जो कि आने वाले समय में यदि किसी को भी यहाँ पर रक्त की आवश्यकता होगी तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर हमेशा तत्पर रहेंगे। CCN News बागेश्वर।